नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के रैपिड फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास सुर्खियों पर। नासूर कोरोना को होगा रोकना, पीएम की चेतावनी। देश में एक बार फिर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। एक और सांसद की लाश मिली, बीजेपी के शर्मा द्वारा खुदकुशी की आशंका। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की दिल्ली स्थित उनके आवास पर संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। MiG-21 गिरा, पायलट शहीद। एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान उड़ान भरते समय भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। परमबीर सिंह को हटाया हेमंत, नए सीपी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह कोई गाज गिरी है। उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से तबादला कर होमगार्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। सेंसेक्स का फिर दम फूला, शेयर बाजार में बुधवार को लगातार चौथे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 562.34 अंक लुढ़क कर 49,801.62 अंक पर बंद हुआ। थॉमस ने छोड़ा बीजेपी का साथ, केरल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पीसी थॉमस ने अब एनडीए का साथ भी छोड़ दिया है। फोन टैपिंग के मामले में गहलोत फिर आए चपेट में। फोन टैपिंग के मामले में राजस्थान विधानसभा के बुधवार को फिर हंगामा हुआ। मामले पर भाजपा ने सदन को लेकर सोशल मीडिया तक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीनियर महिला वनडे में सिर्फ 4 गेंद में जीती मुंबई। घरेलू क्रिकेट की दिग्गज टीम मुंबई ने बुधवार को सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी नागालैंड को फिर एक बार मात कर गेम में बिना कोई विकेट गवाए लक्ष्य हासिल किया। इमरान सरकार अक्षम, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि वह देश चलाने या फैसले लेने में अक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।